जब देश की फिजाओं में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया जाए और हर सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए, तो वही होता है जो बीते रोज दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, जहां पे कम से कम 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान जाती है। और वहां के जो लोकल एस्पिरेंट्स है, उनका ये कहना है कि ये जो कैजुअल्टी है, इसे अंडर रिपोर्टिंग की गई है और उनके हिसाब से कम 10 एस्पिरेंट्स की जान गई है। इसी बीच अगर आप पूछेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, तो एमसीडी के कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को पनिश कर दिया जाएगा और जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बस इसी इंतजार में रहेंगे कि ये मुद्दा बस शांत हो जाए और लोगों के जहन से निकल जाए। पिछले सप्ताह तक यूपीएससी न्यूज में इसलिए था क्योंकि पूजा खेड़कर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्ज करती है और पकड़ी जाती है खुद की गलती से। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट चुप्पी साध के बैठे थे या बहुत हद तक ऑपोजिशन चुप्पी साध के बैठे थे, ये बताता है कि किस तरीके से इनके बीच में इनका नेक्सस चलता है, जहां पे सत्ता या पावर है ये इनके बीच में ही रहे। और उससे भी अजीब बात तब लगती है जब एजुकेशन मिनिस्टर भरे संसद में ये कहते हैं कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ ही नहीं। आम जनता ऐसे ही मरते रहेंगे, कभी टैक्स के बोझ से, तो कभी पोल्यूटेड एयर से, कभी बारिश में, कभी सूखे में, या यूं कह ले कि पॉसिबली हर तरीके से। लगभग एक वीक पहले पटेल नगर में एक और यूपीएससी एस्पिरेंट की जान जाती है, जहां पे वो अपने बिल्डिंग में घुसने के लिए एक लोहा का गेट का सहारा लेते हैं क्योंकि बारिश का पानी से भरा हुआ था और उस लोहे के गेट में इलेक्ट्रिसिटी था। उस वक्त भी बढ़ चढ़कर मीडिया में रिपोर्टिंग हुआ, लेकिन 2 से 3 रोज के बाद एक न्यूज दूसरे न्यूज को रिप्लेस कर देता है। इन सब के बीच में अगर आप पूछें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, तो कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आते और कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। वहीं पे देश में अगर कुछ अच्छा होता है, कोई एथलीट अगर मेडल लेके आते हैं, तो सब कूद जाते हैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए। लेकिन सरकार ये नहीं बताते हैं कि बीते 5 सालों में या 10 सालों में उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था उस मेडल के पीछे। लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया था जंतर मंतर पे एथलीट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सुनने वाला कोई नहीं था। और साथ में अगर बात किया जाए एमसीडी के बारे में, तो 2022 के पहले दिल्ली एमसीडी बीजेपी के पास था और जिस तरीके से बारिश के बाद दिल्ली में पानी भर जाता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ और ये कोई आखिरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसके पीछे तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना हो या उनको सपोर्ट करना हो या इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करना हो, इनका बिना सपोर्ट कर नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना चाहें, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड करप्शन है जिसके पीछे हर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। अगर हम खास करके बात करें दिल्ली के इस मामले के बारे में, तो जो तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे आम आदमी पार्टी हो गया या बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया, सभी के सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि दिल्ली का एमसीडी अभी आम आदमी पार्टी के पास है, तो इसीलिए बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज पहुंच जाती है और आम आदमी पार्टी को अकाउंटेबल ठहराती है। लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि महज 2 साल पहले प्रगति मैदान के आसपास कंस्ट्रक्शन किया गया था और पहली ही बारिश में वहां से पानी निकलने का जगह नहीं है, तो उसके पीछे अकाउंटेबल कौन है? और जब एमसीडी बीजेपी के पास था, तो बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है? अगर कोई भी चीज फेल होता है, तो वो महज 1 या 2 साल में फेल नहीं होता है, बल्कि उसे फेल होने में काफी वक्त लगता है। जहां पर कोई लीडर भारत को जोड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल करियर होता है वो खत्म होने वाला होता है, और वहीं पे कोई एक होता है जो ये कहता है कि उसकी छाती 56 इंच की है और वो आज के 100 साल के बाद भारत को एक विकसित भारत बना देगा, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सम अराउंड 83% है। आज के डेट में हम चाइना के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि चाइना के सामने हम घुटने टेक के खड़े हैं। सरकार हमें ये नहीं बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे चुनाव के पहले, उस प्रोमिसेस में कितने परसेंट फुलफिल किए गए हैं। अगर आप भारत और चाइना का ट्रेड डेफिसिट देखेंगे, तो कम से कम यहां से आने वाले 20 सालों तक भी भारत चाइना के आसपास भी खड़ा नहीं होता है। और साथ में अगर बात किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे जीडीपी का 1/3 पैसे खर्च किए गए हैं और इसी के साथ भारत का जो लोकसभा चुनाव होता है वो दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव चुनाव होता है। और चुनाव के समय किस तरीके से जानबूझ के हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाने का प्रयास किया गया था, इससे हम सभी कोई परिचित हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेथ हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं और ये कोई आखिरी बार भी नहीं रहेगा। ये मुद्दा न्यूज में कुछ दिनों तक रहेंगे, स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लोअर मिडिल क्लास
टैक्स के बोझ से मरते रहेंगे। अगर आप दोनों जेब में हाथ डालो तो आपके जेब में से एक रुपया नहीं निकलते हैं। अगर आप रोजगार ढूंढने भी जाओ तो आपको रोजगार नहीं मिलते हैं। इसी बीच कोई ये कहता है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसीलिए है क्योंकि लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। आप ये तो बताइए कि आपने बीते 10 सालों में कौन सा एम्प्लॉयमेंट का स्रोत को जनरेट किया है। और अगर लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते तो वो गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट फर्म में काम करने जाएं तो आपको 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। आप उस 10-12 हजार में एग्जैक्टली क्या करेंगे? तो ना यहाँ पे कोई रेगुलेशन है। और अगर स्टूडेंट किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। किसी भी देश के लिए जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है वो उसके एजुकेशन सिस्टम में होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि भारत में कंप्लीट तरीके से मिसिंग है, और खास करके बीते 10 सालों में तो है ही है। अगर आप किसी भी तरीके से सरकार से अगर आप सवाल पूछते हैं तो चंद सेकंड लगेंगे लोगों को ये कहने में कि आप कहीं ना कहीं अपोजिशन से कनेक्टेड है, इसीलिए आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपने वोट दिया है सरकार को तो आप सवाल पूछने के लिए किसके पास जाएंगे? अगर देश में कुछ गलत हो रहा तो इसके लिए जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? मणिपुर बीते एक सालों से ऊपर हो गया वो जल रहा, लेकिन अब तक हमारे हेड ऑफ स्टेट एक बार भी मणिपुर नहीं जाते हैं। हमारे एथलीट एक महीना से ऊपर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस जाके FIR दर्ज करते हैं। ये फिलहाल की परिस्थिति है। आई होप कि जो कॉमन सिविलियंस है उनको इन पॉलिटिशियन का जो राजनीति है वो समझ में आए और हम आपस में अपने संबंध खराब ना करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।